हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी। आपका केबीसी में स्वागत है। जो हम पजल की सीरीज चला रहे हैं, आप सबको पता होगा, जो नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि हम एक्चुअली पजल्स डेली अपलोड करते हैं हमारे फेसबुक पेज पे और अगले दिन उसका सॉल्यूशन देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे फेसबुक पेज की। तो ठीक है, आज की जो पजल है वो देखते हैं। पजल नंबर 6 है। देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर 8 पर्सन इन अ फैमिली। देयर आर 3 मैरिड कपल in the family, they are from their 3 generation and there are no unmarried female in the family. इससे पता क्या चलता है कि हमें इतना पता है कि generation 3 है, 3 generation है, ठीक है। दूसरी बात पता चलती है, कोई भी अपने क्या नहीं है, unmarried female नहीं है, unmarried female नहीं है, married female नहीं है। और एक चीज और कहा है उसने, देयर आर 3 मैरिड कपल, 3 मैरिड कपल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो पहले, बाद में हम बात में करेंगे। अनमैरिड फीमेल तो है ही नहीं, जो भी अनमैरिड है वो फिर मेल होगा। और कह रहे हैं मैरिड कपल कितने हैं, 3 हैं, तो फीमेल कितनी होगी? ऑब्वियसली बात 3 ही होगी ना। देखो क्यों होगी, मान लो कि 3 फीमेल है जो मैरिड है, इसके अलावा कोई फीमेल हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसने साफ साफ कहा है अनमेरिड का जितने भी हैं वो अपने क्या है, सारे अनमेरिड फीमेल नहीं है, जो भी अनमेरिड होगा वो मेल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और जनरेशन केवल 3 ही रखनी है हमें, मतलब 1, 2 और 3 जनरेशन रखनी है। आगे बात करते हैं, बी एंड ए आर ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ डी, मतलब बी और ए बी की संतानें हैं, बी की संतानें हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूं, बी इनकी 2 संतानें कौन है, बी और ए, ठीक है। इनका जनरेशन मुझे वो नहीं पता, इनका इनकी या मेल या फीमेल ये नहीं पता भी। एफ इज द वाइफ ऑफ डी, सॉरी आगे एक और चीज, जी एंड एच आर ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ ई एंड सी रेस्पेक्टिवली, यानी जी है ऑफ स्प्रिंग किसकी है, ई की। तो जो ई है उसके जो बच्चा है उसका नाम क्या है, जी है, और ऐसी सी है उसका ऑफस्प्रिंग कौन है, एच है, ठीक है। उसके साथ क्या लिखा हुआ है, एफ इज वाइफ ऑफ डी, एफ इज वाइफ ऑफ डी, एफ वाइफ है तो ये इसको प्लस होने वाला है। प्लस क्यों है, मेल को प्लस दिखाते हैं, एफ को माइनस दिखाते हैं फीमेल को। आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि फीमेल को माइनस दिखाना ही दिखाना है। आप इसको स्टार दिखाओ, इसको डॉलर दिखाओ, आपकी मर्जी है, कोई टेंशन नहीं, ठीक। हमने ये दिखाया, ठीक। सी इज वन ऑफ द फीमेल, सी फीमेल है, वन ऑफ द फीमेल एंड सी डज नॉट, सी इज नॉट वाइफ ऑफ ए, सी इज नॉट वाइफ ऑफ ए। देखो तुम्हें सारा खेल बनाना 3 में है, कैसे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड, 3 जनरेशन में सारा काम होना चाहिए आपका। पहली बात तो ये, ठीक, 3 जनरेशन में बी और ए हैं और लास्ट में ये हैं, और 3 मेरिड कपल होने चाहिए। तो मैं ये कहता हूं डी प्लस और एफ माइनस, इनके 2 बच्चे हुए, ठीक है। क्योंकि देखो ये एक फीमेल है तो इसको ऑब्वियस ही बात है किसी ना किसी मेल से शादी करनी पड़ेगी, किसी ना किसी मेल से शादी करनी पड़ेगी, और डी ऑलरेडी मैरिड है, डी ऑलरेडी मैरिड है, तो डी सी किसी ना किसी इनमें से किसी से शादी करेगी, इनमें से शादी करेंगे तो नीचे एक और जनरेशन साथ में लेके बैठी हो, तो ये नहीं कर सकता मैं कि इसके नीचे और बनाऊ तो 4 जनरेशन हो जाएंगे। तो सी को इसी में से किसी के साथ शादी करनी पड़ेगी, और वो कह रही है सी है ना ए की वाइफ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात किसकी वाइफ होंगी, बी की वाइफ होंगी। तो सेकेंड जनरेशन में कौन कौन है, एक बी है और एक ए है, इसके साथ शादी कर ली अपने सी की, माइनस है ये प्लस है, बराबर मतलब हस्बैंड वाइफ, और इनके एक बच्चा है जिसका नाम है एच, ठीक है। अब ई और जी को इसी जनरेशन में सेट करना है, और ई और जी को इसी जनरेशन में सेट करना है, तो मैं देखो यही कहूंगा फिर मैं, इनका बच्चा क्या है, जी, ठीक है, इनका बच्चा क्या है, जी है। क्यों कहा, मैंने कहा मैं ऐसे भी तो कह सकता था, एक ई ले लिया उसके साथ जी ले लिया, ऐसे भी कर सकता था, परंतु मुझे कहा है 3 मैरिड कपल, 3 मैरिड कपल तो बनाओ, एक बन गया दूसरा बन गया तीसरा अवश्य बनना ही पड़ेगा,
मैं ये भी कर सकता था, ई यहाँ लिख देता, सी इसके नीचे कर देता, नहीं कर सकता। कारण क्या है, मुझे 3 मेरिट कपल भी बनाने, इसलिए तो ये हमारा फैमिली ट्री तो बन गया, मतलब परिवार का पेड़ बन चुका है। तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, इनको मैं देता हूँ खत्म। ये समझ में आ गया हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर, आजकल यही क्वेश्चन आ रहे हैं, फैमिली ट्री वाले जनरेशन वाले चल रहे ज्यादा। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ कि डी है, प्लस है, उसके साथ उसकी वाइफ है, एफ माइनस है, इनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है सी और एक का नाम है एक बी है जिसकी शादी हो रखी है सी माइनस से, इनका बच्चा एक है एच, और एक ए है जिनकी शादी हो रखी है ई से, बट इनका ये नहीं पता ये मेल है फीमेल है, इतना पता है इन दोनों में से एक फीमेल होगी और बाकी जो ओबीसी बात है मेल ही होगा। 377 यहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है। तो जी है भाई साहब, इन दोनों को तो मर्द होना ही पड़ेगा क्योंकि अनमेरिड फीमेल तो है ही नहीं, तो मर्द ये है ही है, तो ये फैमिली ट्री हम यहाँ से हटा देंगे। चलो यहाँ तक ही हमारी कहानी होगी। अब क्या कह रहा है आगे देखते हैं। अमंग देम 3 आर इन डॉक्टर्स, 3 डॉक्टर हैं, ठीक है साहब। 2 इंजीनियर, 2 इंजीनियर हैं, बेटा गर्ग इनका। 2 ऑथर हैं, 2 ऑथर हैं, और मैं अगर बात करूं तो एक पेंटर है, एक पेंटर है, चलो ठीक है, ये भी मुझे एक पता है। Only one day the all person sit around a round table looking towards and center to solve a puzzle which was asked recently in the examination of they sit in such a manner that, ठीक है, वो एक सर्कल में बैठे हैं और उनके सारे मुंह एक तरफ है, तभी तो towards center लिखा हुआ है। बंदे कितने हैं? 8 के लिए मेरी कौन सी होती है, वो वाले बनाऊंगा, ठीक है। अब मुझे क्या कहा गया है, मुझे कहा क्या गया है, मैं देखूंगा क्या, मैं 4-5 लाइनें पढ़ूंगा, उसमें देखूंगा कि कहीं से मुझे फिक्स इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं केसेस पे जाऊंगा। तब तक केसेस में नहीं जाऊंगा, मैं पहले ट्राई करूंगा मैं एक से स्टार्ट करूं, कोई फिक्स दिए। पहली चीज क्या दी हुई, दिस इट इन ओनली दैट ओनली ग्रैंडसन ऑफ बी, लिखा हुआ भी है ग्रैंडसन ऑफ बी इज बिटवीन सी एंड ए। ग्रैंडसन ऑफ बी कौन है, जी और एच है, बिटवीन सी और ए, ओनली भी लिखा हुआ है, ओनली मतलब एक ही बंदा है और कोई बीच में नहीं है, तो मैं ये लिख सकता हूँ पहली इंफॉर्मेशन सी है और ए है, इनके बीच में एच / जी में से कोई आएगा, ठीक है, और ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लिख दिया। इससे मुझे कोई फिक्स नहीं पता चल रहा, 2 केसेस बनेगा, ए इधर है, सी इधर है, सी इधर है, तो नहीं बना रहा मैं। अगले क्या है, ओनली ओनली E is between B and F. Only E is between B F and B E F. ये मतलब हो? तो इन दोनों को मैं vice versa भी दिखा सकता हूँ। I hope इतना समझना है। आगे पढ़ो। Only one person is between C and B, but it is not H. C और B के बीच में एक person है, और वो H नहीं है, but ये मैंने बना दी इस कंडीशन। 3 लाइनें पढ़ लिया मैंने, एक पैराग्राफ पढ़ लिया, मुझे नहीं मिल रहा कोई फिक्स। आगे भी देख लेता हूँ कहीं है। जी हु इज नॉट नेक्स्ट टू बी, नॉट वाले कभी नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। इज नॉट सिटिंग अपोजिट, मतलब नहीं बन रहा कहीं से, तो 2 केसेस मुझे या 3 केसेस लेके चलने पड़े। तो मैं पहले से ही देखता हूँ, पहले से कितने 2 केसेस बन सकते हैं ना, या तो सी इधर है या ए इधर, बनाता हूँ देखो आप समझना। एक ये बना देता हूं, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, मुझे दे पता है 3 डॉक्टर हैं, 2 इंजीनियर हैं, 2 ऑथर हैं और एक पेंटर है, ठीक है, ये पता है मुझे। इसको थोड़ा दूर भी बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए यार, बात यही है, मुद्दे की बात यही है सब। चलो देखिए, सी और ए, पहले कंडीशन में मैं लेता हूँ सी इधर है ए इधर है, तो इनके बीच में कौन आए, एच या जी, ठीक है। इधर लेता हूं सी की जगह, अब ए इधर है, सी इधर है, और इसके बीच में ले लेता हूं एच / जी, ठीक है, आया समझ। अब क्या कह रहा है, सी और ए, बी ई एफ नहीं, मैं कहीं नहीं कहीं से सेट नहीं कर सकता हूं, हाँ ये सेट कर सकता हूं, सी और बी के बीच में एक है, सी और बी के बीच में एक है, तो बी ऑब्वियस सी बात यहां हुआ,
इस केस में, और यहाँ पे एच नहीं है, एच नहीं है, यहाँ नहीं हो सकता ना, यहाँ तो ए है, सी और बी के बीच में एक है, जो बी यहाँ आ गया, यहाँ एच नहीं हो सकता, बी और एफ के बीच में ई ए है, तो बी और एफ यहाँ नहीं आ सकता, एफ को ऑब्वियसली बात यहाँ आना पड़ेगा, उसके बीच में ई है, एफ को ऑब्वियसली बात यहाँ आना पड़ेगा, बीच में ई है। चलो ये सारी कंडीशन बना दी मैंने, इनको मैंने फुलफिल कर लिया, आगे की कंडीशन देखता हूँ, इनको मैं हटा देता हूँ, एक चीज मैंने लिख दी एच नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, जी आप पढ़िए, आप खुद पढ़िए, आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, जी हु इज नॉट नेक्स्ट टू बी, जी हु इज नॉट नेक्स्ट टू बी इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू, अपोजिट टू क्या है, अपोजिट टू डी है ना, अपोजिट टू डी, यस। पहले तो देखो जी हु इज नॉट नॉट नेक्स्ट टू बी, जी है वो बी के आगे नहीं है, तो बी के आगे यहाँ नहीं है, तो जी यहाँ पे भी नहीं, नेक्स्ट का मतलब आगे पीछे ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, ये समझ लें, तो जी यहाँ पे भी नहीं है, जी यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो नेक्स्ट ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि ई ऑलरेडी है, ई ऑलरेडी है, तो ये तो बात समझ में आई, तो जी यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, और क्या क्या है, इज नॉट अपोजिट टू डी, इज नॉट अपोजिट टू डी, चलो इसको मैं लिख लेता हूँ, डी मुझे पता नहीं है, जी अपोजिट डी ये नहीं है, अपोजिट को मैं ऐसे शो करता हूँ, ठीक है आपकी मर्जी है, आप किसी और चीज से भी शो कर सकते हैं। While B is not sitting opposite to a female, B female के opposite नहीं है, यानी male के opposite है, तो B यहाँ पे तो opposite A है, यानी ये plus है, और यहाँ पे भी A है, मतलब दोनों केसों में A क्या है, female, male है, sorry, male, तो A male होगा, तो इसको female होना पड़ेगा, चलो ये भी समझ में आ गया, कौन male है, कौन female है, ये सारा खत्म हो गया। One of the son of D, one of the son of D, दोनों ही son है sir, दोनों ही son है। One of the son of D is on immediate left of D. मतलब जो D है बेटा है उसके जस्ट लेफ्ट में उसका एक बेटा बैठा है। इसमें देखते हैं। मैं बैठाता हूँ। ये इसका बेटा है। A और B. इस D यहाँ बैठेगा तो इसके लेफ्ट में कौन बैठेगा? A बैठेगा। चलो D यहाँ बैठ गया। एक कंडीशन तो ये बन गई। इसमें ये B बैठा है। D यहाँ बैठा है तो इसके भी लेफ्ट में, तो D यहाँ पे भी हो सकता है। अब मुझे फिक्स नहीं पता डी का है, तो मैं एक बार गोला लगा लेता हूँ, मुझे इसकी पता नहीं भाई, ठीक है आगे देखता हूँ मैं क्या होता है। अब देखो इसमें देखते हैं, बी यहाँ बैठा तो उसके लेफ्ट में नहीं, उसके राइट में उसका बेटा बैठा है, नहीं डी यहाँ बैठा तो उसके राइट में बैठा है, तो ये तो केस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया ये समझ लेना, क्योंकि लेफ्ट में आ ही नहीं सकता, लेफ्ट में बच्चा आए डी का तो डी को यहाँ बैठना पड़ेगा, नहीं यहाँ तो ई बैठा हुआ, लेफ्ट में आए तो डी को यहाँ बैठना पड़ेगा, यानी डी यहाँ पे आ नहीं सकता, तो ये केस तो हो गया कैंसिल आउट। अब बचा आपका ये केस, इस पे फोकस करो, और कुछ का है, द पर्सन हु आर नेक्स्ट टू इज नाइदर इंजीनियर और डॉक्टर, चलो ये चीजें बाद में, तो अब इससे बनाते हैं पूरा। देखो सोचो एक चीज, जी और एच यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है, एक को यहाँ आना ही पड़ेगा, एक को आया आना ही पड़ेगा, तो देखो G और H बच्चे कौन कौन आपके पास, पहले ये देखो H बच्चा है, G बच्चा है और D बच्चा है, तीन जगह बची हुई है, बची हुई है तीन जगह, एक दो तीन और तीन बंदे, उसमें से देखो अपोजिट वाले ये केस है, अपोजिट वाले ये केस है, G और D आ नहीं सकते अपोजिट, तो G ऑब्वियसली बात यही आना पड़ेगा, G को यही आना पड़ेगा, G यहाँ क्यों आया, मान लो G यहाँ आ जाए है, तो D ऑब्वियसली बात यहाँ आना पड़ेगा, डी यहाँ आ गया तो अपोजिट आ गया, तो जी यहाँ फिक्स हो गया। अब एच की बात करते हैं, एच यहाँ नहीं आ सकता तो एच ऑब्वियसली बात कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा तो बची एक जगह, वो है ना डी, तो हमने सारा कुछ बना लिया, ये हमारा बन गया। नहीं समझ में आया वापिस देख लेना एक बार वीडियो, वापिस पोस्ट करके समझना, जी यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि जी और डी अपोजिट नहीं आ सकते, तो यहाँ भली जी यहाँ हो या यहाँ हो अपोजिट तो डी आएगा, क्यों डी यहाँ आ ही नहीं सकता, हमने स्टार्टिंग इसी चीज से की थी, यहाँ पे उस ग्रैंड सन ही आएगा, मतलब जी या एच आएंगे, आया सामने। आगे देखते हैं, द पर्सन हु आर नेक्स्ट टू ई आर नाइदर इंजीनियर नॉर डॉक्टर, ठीक है, द पर्सन हु आर ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी और इमीडिएट राइट ऑफ जी आर नॉट डॉक्टर्स व्हाइल एच इज ए रिनॉल्ड पेंटर, ठीक है ये पूरी बात, एच रिनॉल्ड पेंटर है तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब इसकी कहानी खत्म होगी साहब।
ये तो है पेंट, चलो ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो ई के नेक्स्ट है वो नाइदर इंजीनियर है ना डॉक्टर है। इंजीनियर हो नहीं सकते, डॉक्टर हो नहीं सकते, पेंटर एक था बन चुका, तो क्या होगा, ऑथर ही होंगे, ऑथर ही होंगे। ई के आप स्वस्थ होने, ये दोनों, ये भाई साहब भी ऑथर है, ये भाई साहब भी ऑथर है, ठीक है। ई का खुद का कुछ पता नहीं अभी। अब देखो, पर्सन हु आर ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, इमीडिएट लेफ्ट, ये रहा इसका लेफ्ट, ये रहा ठीक है इसका लेफ्ट जी, और द पर्सन सॉरी एंड इमीडिएट राइट ऑफ बी, इमीडिएट राइट ऑफ बी, ये रहा इसका राइट बी, ये रहा इमीडिएट लेफ्ट, ये रहा राइट, ये रहा, ठीक है। इन दोनों के बारे में बात की है। आर नॉट डॉक्टर्स, अब देखो ऑथर आपके पूरे हो गए, पेंटर हो गए, डॉक्टर नहीं है तो क्या होंगे, इंजीनियर होंगे। तो ये भाई साहब भी क्या है, इंजीनियर है, ये भाई साहब भी इंजीनियर है, तो बाकी जो बचे वो डॉक्टर हो जाएंगे। ये डॉक्टर, ये डॉक्टर और ये डॉक्टर आ गया, पूरा केसेस बन चुके हैं, पूरी कहानी खत्म। ये क्वेश्चन पाते, द ओनली पर्सन हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी इज और एन, ओनली बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में जो बैठा है उसका, वो कौन है, इंजीनियर है, फर्स्ट ऑप्शन। The two females who are sitting adjacent to each other are, दो फीमेल sitting adjacent मतलब आस पास बैठी है, तो बताओ सबका जेंडर चेक करो, B पॉजिटिव, E नेगेटिव, F नेगेटिव, तो आंसर क्या हो रहा है, ये जो E और F आपस में बैठी है, ऑप्शन में है कि C, नहीं नहीं, तो none of these हो जाएगा और आंसर क्या होगा, E और F हो जाएगा, ठीक है। The only person who is sitting opposite to a female is an, चलो only person, अब देखो सबका देख लो, H क्या है, positive, A positive था, G positive है, C क्या है, negative है, और D obvious ही बात है positive है। The only person who is sitting opposite a female is an, मतलब जो ओनली पर्सन, एक ही पर्सन है जो अपोजिट है फीमेल के, फीमेल के अपोजिट देखो कौन है, फीमेल ये रही, इसके अपोजिट तो अपोजिट है, ये फीमेल है, इसके अपोजिट देखो क्या है, डॉक्टर है। द ओनली पर्सन हु इज सिटिंग अपोजिट अ फीमेल, एक ही व्यक्ति जो फीमेल के अपोजिट है, ये तो दोनों फीमेल है आपस में, ये तो कोई अपोजिट नहीं, पर्सन यानी व्यक्ति, वो आदमी जो फीमेल के अपोजिट है, क्या है, डॉक्टर है, ठीक है, जी क्या है, डॉक्टर है। अगला देखें, Who among the following is are not doctor, कौन डॉक्टर नहीं है, son of D, son of D, B और A, B कहां गया, B और A, son of D, B और A, नहीं एक तो डॉक्टर है तो नहीं हम इसको आंसर दे सकते, मदर ऑफ जी, जी की मदर कौन है, ई, ई डॉक्टर है क्या, ई डॉक्टर है, ई इज डॉक्टर, Not a doctor, not a doctor. तो mother of G doctor है. One of the grandson of F who is B's son. B's का son. H, H क्या है? H painter है. तो H painter है तो doctor obviously बात नहीं होगा. तो answer क्या होता है? ये third option. Son of D देखो. Son of D देखो एक बार वापस देखो. Who among the following are not a doctor? Son of D. तो B और A उसमें से एक डॉक्टर है ना, क्या पता इसकी बात कर रहा हूं, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, इसलिए हमने इसको आंसर नहीं दिया। बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर थर्ड है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं आप, भगवान ने या यूट्यूब ने आपको ये पावर दी है कि आप लाइक बटन हिट कर सकते हैं। अच्छा ना लगा, कहीं आपको और अच्छा वीडियो मतलब कहीं और अच्छा मेथड समझ में आता है, कमेंट कीजिए, नहीं तो मुझे मैसेज कीजिए फेसबुक पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आपसे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन हिट कर लीजिए। बाकी सब बढ़िया है, आप पेपर की तैयारी करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब अलग की बात है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम क्रैक कीजिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अगली पजल के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, राम राम।